नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत गुरुकुलम इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। हमारी एमपीजी के एमसीक्यूज की ये आज की सीरीज है, 7 अक्टूबर की अपनी ये सीरीज है, जिसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न आपके सामने क्या दिया है, देखिए, किस वर्ष मध्य प्रदेश सरकार ने राम रोटी योजना को प्रारंभ किया था। देखिए, राम रोटी योजना जो आपके यहां पे चलाई जा रही है, 5 रुपए में भरपेट थाली भोजन आपको मिलेगा, तो ये कब से चलाई जा रही है, जल्दी से बताइए। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राम रोटी योजना कब से शुरू की गई थी, 2008, 2009, 2010 और 2011? तो देखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा, 25 सितंबर सन 2010 से राम रोटी योजना चलाई गई, जिसके माध्यम से गरीब लोगों को 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। तो ये राम रोटी योजना का मुख्य उद्देश्य था। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मध्य प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहां पे है, सागर, इंदौर, महू और रीवा। देखिए, आप लोग बहुत सारे लोगों ने अगर क्या किया होगा, ये क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट अगर लिया होगा तो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से आपने वहां से क्या किया होगा, एमए वगैरह किया होगा, या उस सब्जेक्ट में प्रॉपर आपने मास्टर्स किया होगा, तो वहीं पे आपका फॉरेंसिक साइंस एंड लेबोरेटरी है, मतलब सागर में आपका फॉरेंसिक साइंस एंड लैब है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, तीसरा नंबर, मध्य प्रदेश में किस नगर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है, आनंद नगरी सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की बात हो रही है, भारत की नहीं, तो मंडू, भोपाल, मैहर और उज्जैन, 4 ऑप्शन है आपके सामने। देखिए, रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी का पूरा वर्णन यहां पे आपको मिलता है। यहां की जो खूबसूरती है देखते ही बनती है, अगर आप जाते हैं कभी भी तो मतलब आप चलचित्र लेने से कभी मतलब पीछे नहीं हटते। बहुत सारी मूवीज की शूटिंग होती है, आप इस समय चले जाइए या किसी भी समय, नॉर्मली अगर सबसे ज्यादा आप बरसात आने के समय पे आप जाइए कि जब बरसात खत्म हो रही हो, ठंड का सीजन स्टार्ट हो रहा हो, उस समय आप जाइए और मांडू का देखिए क्या आनंद आता है, इसीलिए उसे आनंद की नगरी कहा गया है। तो ये मांडू में है आपका, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। आपके स्टेट ट्री की बात हो रही है, स्टेट ट्री राजकीय वृक्ष, बनियान ट्री आपने पढ़ा है, फाइकस बेंगालेंसिस इसका साइंटिफिक नेम है, फाइकस बेंगालेंसिस इसका साइंटिफिक नेम है। ये आपके सामने बरगद का वृक्ष या वट वृक्ष या बनियान ट्री आपके सामने दिया हुआ है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई, 70, 71, 80 और 81? तो साधारण प्रश्न है, ये प्रश्न कुछ इस प्रकार के होते हैं जिनमें आपको ईयर वाला डेट याद करना पड़ता है, ईयर या डेट याद करना पड़ता है। 1981 में आपके यहाँ पे मध्य प्रदेश में फिल्म विकास निगम की स्थापना की गई, फिल्म विकास निगम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म स्थान। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, सबसे पहली बात तो कि इनका जन्म कहां पर हुआ है, तो आप सभी को पता है कि इनका जन्म कहां पर हुआ है, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था, 25 दिसंबर 1924 को इनका जन्म हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट, कब जन्म हुआ था, 25 दिसंबर 1924 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और अगर हम बात करें कहां पे हुआ था, तो ये जन्म इनका कहां पर हुआ था, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो सन 2018 में, अभी 16 अगस्त 2018 को इनकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है, 16 अगस्त 2018 में अभी इनकी मृत्यु हुई है। तो हमारे यहां के अगर देखा जाए प्रमुख व्यक्तित्व में सबसे बड़े व्यक्ति हैं या बहुत महान व्यक्तियों में इनकी गिनती होती है। अगर हम आंसर देखें कि इनका जन्म स्थान कौन सा है, तो जन्म स्थान है इनका कौन सा, ग्वालियर में। इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, सन 2015 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, हालांकि इसके पहले इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया था। क्या मिला था इन्हें, पद्म विभूषण भी मिला था, 1999 की अगर हम बात करें, सॉरी 1992 की अगर हम बात करें, 1992 की बात करें तो 1992 में इनको क्या मिला था, पद्म विभूषण मिला था। और अगर भारत रत्न की बात करें तो सन 2015 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जन्म 25 दिसंबर 1924 में और 2018 में 16 अगस्त को इनकी मृत्यु हुई थी। भारत रत्न 2015 में मिला था, पद्म विभूषण इनको 1992 में दिया गया था, और इनका जन्म कहां हुआ है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ है। अगला प्रश्न है, संजीवनी संस्थान, संजीवनी संस्थान में मोस्टली होता क्या है कि आपकी जितनी भी मध्य प्रदेश की आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, आयुर्वेद से रिलेटेड जितना भी पेड़ वगैरह है ना, मतलब पेड़ों में जो छाल वगैरह हो गई, जड़ी बूटियां हो गई, कुछ वनोपज
जो हो गई जो आपके औषधियों के रूप में काम आती है, जो आपकी देसी शहद हो गई, ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां सब कुछ आपका कहां मिलता है, संजीवनी संस्थान में। तो ये संजीवनी संस्थान के हम मुख्यालय की बात करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आंसर दिया हुआ है, भोपाल में संजीवनी संस्थान का क्या है, मुख्यालय है मध्य प्रदेश। पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहां की गई, मध्य प्रदेश में जो आपका पर्यावरण मंत्रालय है, ठीक है, तो इसकी स्थापना कहां पर की गई, आपको आंसर इसका बिल्कुल आसानी से मालूम है, भोपाल में मध्य प्रदेश पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि डायल 100 सेवा जो है आपकी, डायल 100 तुरंत कुछ भी आपके सामने, कोई भी कांड हुआ, कोई भी आपसे लड़ा, कोई भी आपको परेशान किया, छेड़ने की कोशिश किया, तुरंत आपने डायल 100 किया और बताया कि साहब ऐसी ऐसी बात हो गई, तुरंत आप पहुंचिए, तो वो क्या करते हैं, तुरंत अपना लेके गाड़ी और आपके पास तक पहुंच जाते हैं। 2015 से हमारे यहाँ पे 2015 से डायल 100 सेवा की शुरुआत हुई है, बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत सफल स्कीम रही है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो चलाई गई 108 डायल 100, ये बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स रही है जो मध्य प्रदेश सरकार में चलाई गई है। जिला बनने से पहले भोपाल किस जिले की तहसील हुआ करता था, तो आप सभी को पता है कि भोपाल जो जिला बना है 1972 में जिला बना है, हालांकि इसे 1956 में ही मध्य प्रदेश की क्या बना दिया गया था, राजधानी बना दिया गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 1956 में बन गई थी, जबकि अगर हम बात करें जिले की तो भोपाल 1972 में आपका क्या बनता है, जाके जिला बनता है। अब अगली बात है कि भोपाल किस जिले की तहसील था, तो भोपाल किस जिले की तहसील था भाई साहब, भोपाल सीहोर की एक तहसील था छोटी सी, बाद में में जाके उसे क्या बनाया जाता है, जिला, हालांकि उसके पहले से ही वो क्या था, राजधानी बना दिया गया था, मध्य प्रदेश की उसे राजधानी बना दिया गया था। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया, नर्मदा वैली जो आपका ये क्या है, डेवलपमेंट ट्रिब्यूनल या विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया, तो 1981 में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिषद, मध्य प्रदेश विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिषद, तो ये फैक्ट वाले हैं, ईयर वाले हैं, इनमें फैक्ट है, कुछ ज्यादा विशेष नहीं है, ईयर याद करना है, 1981 में नर्म क्या है, मध्य प्रदेश विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिषद 1981 में, ये भी है, आज जितने भी आंसर आए इसके 1981 के ही आंसर वाले आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, सेब नगरी की बात करते हैं, सेब आप खाते हो इस समय मालवा में, देखिए हमारे यहाँ शुरुआत तो नहीं हुई थी, लेकिन जब से ये आ गया है अपने यहाँ पे 1886 के आसपास की बात है, तब से मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी सेब की। तो ये जो सेब खाया जाता है, नमकीन है एक प्रकार की सेब आपकी, तो मालवा का तो इतना फेमस डिश में ये शामिल हो गया, इतनी फेमस चीज हो गई है कि थाली में भोजन तो रहेगा पर भोजन के साथ ही साथ रोटी सब्जी के साथ ही साथ आपको वहां पे सेब रखा जरूर मिलेगा। तो मतलब ये एक प्रकार से आवश्यकता बन गई है मालवी लोगों की। अब रतलामी सेब की और बात करें तो 2017 में इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दे दिया गया है, मतलब 2017 में इसे GI टैग प्रदान कर दिया गया है। कहां का है ये? रतलाम का है। तो रतलामी सेब, सेब जो है आपका 2017 में इसे GI मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग भी प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, विश्व सूर्य नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता है, विश्व सूर्य नामक समाचार पत्र। तो भाई साहब विश्व सूर्य नामक समाचार पत्र की अगर अपन बात करें तो ये बालाघाट से प्रकाशित होता है, लेकिन हम मध्य प्रदेश के समाचार पत्र की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का जो पहला समाचार पत्र था वो कौन सा था, आप लोगों को पता है कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो मालवा अखबार, कौन सा, मालवा अखबार मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र था जो 1849 में कहां से, इंदौर से प्रकाशित हुआ, 1848 या 49 में कहां से प्रकाशित हुआ था, आपके इंदौर से प्रकाशित हुआ था। हालांकि ये भारत का तीसरा, कैसा, भारत का तीसरा समाचार पत्र था, लेकिन ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। कैसा था? साप्ताहिक समाचार पत्र था जो मालवा अखबार था। ठीक है, आपसे एक और प्रश्न है कि उर्दू भाषा का मध्य प्रदेश का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था, वो भी आपको आंसर करना है। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका कौन सी थी और कब प्रकाशित हुई, इसका भी कमेंट करके आपको जवाब देना है। कल पिछली क्लास में किसी ने जवाब दिया है, हमने जो प्रश्न पूछे थे उसका एक बच्चे ने जवाब दिया है, बहुत शानदार जवाब दिया है, मुझे नाम अभी याद नहीं है पर मैं कल से उनका नाम जरूर लूंगा जो लोग कमेंट करेंगे। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं, मध्य प्रदेश का पिन कोड अंक किससे प्रारंभ होता है, तो आप सभी को पता है 485 जो भी है आपका, आपके यहाँ का मैं नाम नहीं लूंगा, तो ये आपका स्टार्ट होता है कहां से, 4 से स्टार्ट होता है, तो ये 4 से प्रारंभ होता है। भोपाल ट्रेजेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आपके यहां पे
3 दिसंबर की रात को, 2-3 दिसंबर रात 1984 में आपके यहां पे क्या हुआ, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, मिथाइल आइसोसाइनाइड उससे निकली थी, यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री पे ये आपका क्या हुआ था, रिसाव हुआ था। एंडरसन इस फैक्ट्री के मालिक थे और उस समय मुख्यमंत्री आपके श्री अर्जुन सिंह थे और भोपाल के 64 वार्डों में क्या हुआ था, तो ये क्या नुकसान पहुंचा था। तो इसके जो लेखक हैं एम अरुण सुब्रमण्यम माफ करिएगा, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि ये भोपाल के कितने वार्ड में ये दुर्घटना हुई थी, कितने वार्ड इससे ग्रसित हुए थे भोपाल गैस ट्रेजेडी से। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का बॉटनिकल गार्डन कहां पर है, भोपाल में है, सैलाना में, ग्वालियर में या बालाघाट में। तो आप सभी को पता है सैलाना अभयारण्य रतलाम में है और रतलाम में ही आपका बॉटनिकल गार्डन स्थित है, सैलाना में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का पहला हिंदी मासिक समाचार पत्र नवजीवन, पहला हिंदी मासिक मतलब महीने वाला, हिंदी भाषा का जो महीने महीने में आता था वो मासिक समाचार पत्र नवजीवन कब से प्रारंभ हुआ, कब से प्रकाशित किया गया, तो ये 1915 से नवजीवन समाचार पत्र का क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था, ये हुआ आपका उत्तर। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा किला कौन सा है, तो आप सभी को पता है, मैंने एक दिन आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का किला या क्या कहा जाएगा, जिब्राल्टर ऑफ एमपी, जो आपका कौन सा, ग्वालियर का किला राजा सूरज सिंह के द्वारा बनवाया गया था, ये आपका है कि एक नजर में आप एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर कभी नहीं देख सकते और इसकी दीवारें इतनी चौड़ी है कि पहरेदारी करने के लिए घोड़े पर जो सैनिक सवार होते थे तो वो दीवार पे घोड़े क्या किया करते थे, पहरेदारी दिया करते थे। तो ये आपका कौन सा, ग्वालियर का किला होगा, किलों का रत्न होगा, जिब्राल्टर ऑफ एमपी होगा। ठीक है, भोपाल गैस दुखांतिका के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, अभी जस्ट मैंने आपको आंसर बताया, तो भाई आंसर हो जाएगा अर्जुन सिंह, इसके क्या थे, मुख्यमंत्री उस समय पे थे मध्य प्रदेश के। आपके प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार का जन्म स्थान, देखिए किशोर कुमार का जन्म स्थान तो आप सभी को पता है कि किशोर कुमार जी का जन्म स्थान कहां पर हुआ है, तो 4 अगस्त 1929 को इनका जन्म खंडवा शहर में हुआ है। कहां पर हुआ है, खंडवा में इनका जन्म हुआ है और इन्हें एक फेमस अवार्ड जिसका नाम है लता मंगेशकर सम्मान, कौन सा, लता मंगेशकर सम्मान भी मिला था, कौन सा सम्मान, लता मंगेशकर सम्मान भी दिया गया है। ठीक है, हालांकि बहुत सारी मूवीज में इनके गाने आपको सुनने को मिलते हैं और जब भी आप इनका बस गाना लगा लो और आंख बंद करके बिल्कुल बस ऐसी दुनिया में पहुंच जाओ। चलिए अगला प्रश्न, इस पशु के 3 पलकें होती, वाह, आईलिड्स जो है आपका इस पशु की 3 होती है, मतलब 3 लेयर्स में होती है और जब वो 3 लेयर्स में होंगी तो कचरा जो है आंखों में जाने में बहुत समय लगेगा, मतलब आसानी से आंखों में कचरा तो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये कौन से स्थान की बात है, राजस्थान की, राजस्थान में बहुत ज्यादा धूल आती है और धूल आती है तो क्या है, आंख कितना भी बंद करो कहीं ना कहीं पलकों में आपके धूल तो फंसेगी। तो क्या है, जो ये आपका ऊंट होता है, ऊंट के में 3 लेयर होती, कितनी, 3 लेयर होती, अर्थात आईलिड्स की बात की जा रही है, 3 पलकें होती हैं जो आपको किसके लिए, जो रेगिस्तान के लिए सुग्राही बनाती हैं, तो ये ऊंट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने पंच परमेश्वर योजना, ये पंचायतों के विकास से संबंधित है, पंच परमेश्वर योजना का संबंध किससे है, पंचायतों के विकास से है और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 9 जनवरी 2012 को पंच परमेश्वर योजना पंचायतों से संबंधित है जिसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश में किस स्थान की साड़ियां फेमस है, तो देखो सबसे पहली बात, आप सभी को पता है कि ये जो चंदेरी है, चंदेरी की साड़ियां सबसे ज्यादा फेमस है और चंदेरी का जिक्र, एक चीज और बता दूं, चंदेरी कहां, अशोकनगर जिले में पड़ता है और चंदेरी का जिक्र महाभारत काल के समय से हो रहा है, पुराणों में भी चंदेरी का जिक्र किया गया है और 11वीं शताब्दी में, ध्यान रखिएगा 11वीं शताब्दी में हमारे यहां पे जो अगर कहा जाए व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र के अंतर्गत भी चंदेरी आता था, कितनी बड़ी बात है। और चंदेरी की जो डिजाइन करने का, साड़ियों को डिजाइन करने का जो काम किया था, इसके फैब्रिक की खोज की अगर बात की जाए कि जो साड़ियां बन रही हैं शुरुआत की, मतलब 11वीं शताब्दी के समय की बात है कि जो फैब्रिक का या डिजाइन की जो खोज की गई थी उस समय पे इनने करी थी शिशुपाल ने, शिशुपाल आपको श्रीकृष्ण से संबंधित है, आपको याद होगा श्रीकृष्ण के बुआ जी के बेटे वगैरह, तो ये आपका शिशुपाल ने फैब्रिक की इसके क्या करी थी, खोज करी थी। और ये आपका कहां पर है, तो चंदेरी में है, चंदेरी कहां है, अशोकनगर
सुंदर में है और ये आपका व्यापारिक केंद्र, बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है 11वीं सदी के समय से, महाभारत काल में और पुराणों में भी चंदेरी का उल्लेख मिलता है। फिर है कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहां है, कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय, तो ये आपको पता है भाई साहब, कपास की बात आती है तो खंडवा खरगोन आता है, ऑप्शन में भी खरगोन है, आप आंसर क्या लगाएंगे, कपास अनुसंधान केंद्र का जो हेडक्वार्टर है ये खरगोन में है। ठीक है, चलिए आज के प्रश्नों की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, कल मिलते हैं। परंतु उससे पहले एक बात आपसे बोलता हूं कि लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे जुड़ सकें। थैंक यू।